इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, जिस तरीके से जन क्रांति जो रथ यात्रा आप निकाल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस वक्त बिस्तर पर हैं, बावजूद वो रैली में शामिल होंगे, कमान आपके हाथों में? नहीं, कमान लोगों के हाथ में है। इस रथ यात्रा की कमान लोगों के हाथ में है, कोई मेरे हाथ में नहीं है। हुड्डा जी जरूर, उनके पैर की हड्डी टूटने की वजह से, प्लस्तर के कारण वो बेड रिडन हैं, चोटिल हैं, मगर ये मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण समय हरियाणा की राजनीति में है। एक चार साल की एक बिल्कुल अत्यधिक विफल सरकार रही है भाजपा की, और ये आखिरी वर्ष में लोगों को एक सकारात्मक विकल्प देने की जिम्मेदारी एक विपक्ष की होती है। अभी तक हम विपक्ष की भूमिका निभाकर, जो किसान पंचायत, मजदूर पंचायत, दलित पंचायत, व्यापारी पंचायत कर हम वो लोगों के मुद्दे उठाते थे और सरकार को जगाने का प्रयास करते थे कि अपने वायदों को पूरा करें। अब मगर अंतिम वर्ष में सरकार को जगाने का अब समय नहीं रहा, अब सरकार को भगाने का समय आ गया है, और इस रथ यात्रा से सरकार के भगाने का हम विगुल बजाएंगे और एक सकारात्मक विकल्प लोगों को देंगे, ताकि हरियाणा में फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी के नेतृत्व में अमन, चैन, शांति, भाईचारे को लौटा सके हरियाणा में, विकास और खुशहाली का दौर हरियाणा में दोबारा शुरू हो सके, ताकि युवाओं का उज्जवल भविष्य बने। आप राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि ध्यान भटकाने की साजिश है इस यात्रा के जरिए यहाँ पर, और कई आरोप वो लगा रहे हैं। रैली में हमने देखा है, अमित शाह गए थे, उन्होंने भी कई आरोप लगाए थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि भाजपा की जहाँ तक बात है, वो जो है उनको ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि चार साल के बाद भी वो केवल हुड्डा जी पे निशाना साध के या उनके खिलाफ झूठे कोई आरोप लगा के अपना गुजारा कैसे चला रहे हैं। चार साल के बाद तो वो अपना लेखा जोखा बताएं, उन्होंने क्या फैसले किए, उन्होंने प्रदेश में क्या काम किया, उसका जवाब दें। कब तक जो है आप निशाना हम पे साध के काम चलाएंगे? और भाजपा की रैली में जिस प्रकार से राष्ट्रीय भाजपा के जो नेता हैं उनसे लेके प्रदेश के नेतृत्व तक सबने हुड्डा जी को निशाने पर लिया, उससे मैं तो ये की बात मानता हूँ, ये स्पष्ट है कि भाजपा पूरी तरीके से हुड्डा फोबिया से ग्रस्त है। क्योंकि नहीं तो वो अपने काम बताते, कोई घोषणा करके जाते लोगों के लिए, मगर उन्होंने कहा कि हुड्डा जी तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, वो तो लोगों तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए, लोगों तक सुन गई और लोग अपनी आवाज़ उनको 25 तारीख को पलवल में सुना दें। आखिरी सवाल, क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे शुरुआत कर रहे हैं आप? देखिए, कार्यक्रम 25 तारीख को होडल से, होडल में एक शुरुआत की जाएगी जन क्रांति यात्रा की। जैसे मैंने कहा, उद्देश्य जन क्रांति यात्रा के हरियाणा में एक ऐसा विकल्प जिस विकल्प से हरियाणा अमन, चैन, शांति, भाईचारे के रास्ते और विकास और खुशहाली के रास्ते पे आ सके, इस बात को लेके ये जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की जाएगी। होडल से यात्रा शुरू की जा रही है और आने वाला जो इसकी रूपरेखा होगी उसका खुलासा हुड्डा जी होडल में ही करेंगे। जाहिर सी बात है, और कार्यक्रम का ऐलान, और इसी के साथ यहाँ पर जो योजना बनाई जा रही है, कार्यकर्ता लगातार मिलने आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश, यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी, जन क्रांति रथ यात्रा के जरिए दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में इसलिए कमान भी होगी क्योंकि उनके पिता इस समय चोटिल हैं, बिस्तर पर हैं, लेकिन वो रैली में शामिल होंगे, और जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है उसको सीधे आगे बढ़ाएंगे दीपेंद्र हुड्डा। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।